जी धन्यवाद सुनील भैया, धन्यवाद शर्मिला दीदी, अनुजाम दीदी का परिचय रख देती हूँ। अनुजाम दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट UIET पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। दीदी ने फेस टू फेस वर्कशॉप 8 डेज का जुलाई 23 में कंप्लीट किया पंजाब यूनिवर्सिटी में ही। और दीदी अभी रिसेंटली वहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था 1 दिन का 24 नवंबर को, तो वहाँ भी उसमें भी दीदी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर थी। तो अभी दीदी को सुन लेते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। जैसे कि आपने मेरा परिचय दे ही दिया है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि मैं अनुज हाँ हूँ और मैं UIT पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाइड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने पहले अगस्त 2022 में 5 दिवसीय ऑनलाइन FTP UIT पर किया था और उसके बाद अब जुलाई 2023 में मैंने 8 दिवसीय फेस टू फेस FTP UHV पे किया है। तो वो करने के बाद 8 दिवसीय फेस टू फेस FTP के बाद मेरी UHV को लेकर मेरी जर्नी शुरू हुई है और उसके बाद अब मॉर्निंग सेशंस मैंने उसके बाद मैंने सैटरडे को वीकली मीटिंग से शुरू की थी, लेकिन उस टाइम में व्यस्तता ज्यादा होने के कारण मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर मैंने ये मॉर्निंग सेशंस स्टार्ट किए। मॉर्निंग सेशंस को मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए ही ज्वाइन किया था कि इसको मैं और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँ। तो शुरू में तो मैंने एक्सरसाइज 8 के कुछ स्टेप्स को ऑब्जर्व किया साथ ही साथ, लेकिन बाद में गति नहीं बनी और जो हर क्षण ऑब्जर्व करने वाला था वो बहुत ही मुश्किल सा लगा। लेकिन कुछ चीजों को लेकर मेरी जो समझ बढ़ी या स्पष्टता बनी उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने सीखा या समझा वो ये था कि थॉट्स के आगे हमारे अंदर फीलिंग्स हैं और हमें इन फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है और दूसरों के साथ व्यवहार में अपनी राइट फीलिंग्स अपनी राइट फीलिंग्स रखनी है जो रिलेशनशिप की हैं और जो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस पर आधारित हैं। तो हमें इन राइट फीलिंग्स को इंश्योर करना है और इसको समझते हुए जब भी मुझे अपनी फीलिंग्स इनकरेक्ट लगी, चाहे वो मेरी सोच में ही थी, मैंने उनको करेक्ट करने की कोशिश की, तो मेरा ध्यान अब फीलिंग्स की तरफ जाता है और टाइम टू टाइम मैं उनको करेक्ट भी करती हूँ। ये सोचकर कि दूसरों की इंटेंशन तो सही है, कहीं ना कहीं उनमें योग्यता की कमी है जिसके कारण हमें उनके व्यवहार में कोई कमी नजर आती है। तो दूसरा मुझे ये लगता है कि वह इंसान जो मेरे साथ गलत व्यवहार करता है वह कहीं ना कहीं अंदर से परेशान है, पर उसको देखकर मुझे अपनी फीलिंग्स खराब नहीं करनी है। तो समझ की कमी हो सकती है, योग्यता में कमी या अवेयरनेस की कमी के कारण ही मुझे लगता है कि हम या कोई दूसरा व्यक्ति गलत तरीके से व्यवहार करता है। तो हम गलती करते हैं तो दूसरा भी गलती कर सकता है। तो हम अगर अपनी राइट फीलिंग्स को इंश्योर कर पाते हैं तो हम सुख में रहते हैं और परेशान नहीं रहते और हम शिकायत से भी मुक्त होते हैं। तो इस समझ के बनने से मेरे अंदर की जो रिएक्शन है वो भी कम हुई है और स्पष्टता भी बढ़ी है, जिससे मैं अपने में कॉन्फिडेंस को ऑब्जर्व करती हूँ। मैं अब एक्सप्रेस करने लगी हूँ, यानी ऐसा महसूस किया कि अब मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेसिक नेचर तो जो है वो शांत और बाहर रिएक्शन ना करने वाला ही था। तो शुरू में अपने में इस
इस बदलाव से मैंने परिवार के सदस्यों के व्यवहार में भी बदलाव पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं रूटीन को, अपने रूटीन के कार्यों को करते हुए मैं परिवार के साथ में कम ही समय बिता पाती हूँ। मेरी कुछ इसमें मेरी रूटीन बिजी और कुछ बाकी परिवार के सदस्य वो भी अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो कोई एक ऐसा समय कि जिसमें बैठ के उससे बात हो, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही व्यस्तता के होने के कारण तो मैं अपनी समझ बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, कि सिर्फ मॉर्निंग सेशंस ही मैं अटेंड कर पा रही हूँ। और इसके अलावा हाँ, अपने कार्य स्थान पर कलीग्स के साथ कभी कभी मतलब आपस में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमारी क्लैरिटी और बढ़े। इसके अलावा मुझे लगता है कि प्रोस्पेरिटी को लेके अगर देखा जाए तो प्रोस्पेरिटी का भाव तो मेरे अंदर है, और मुझे लगता है कि मेरी अपनी जरूरतें भी बहुत ही सीमित हैं। मतलब तो शुरू से ही ऐसा ही रहता है कि ज़्यादा फजूल खर्ची या ज़्यादा जरूरतों की तरफ नहीं है। तो मैं इसके अलावा जब भी दूसरों के साथ इंटरेक्शन करती हूँ तो दूसरों की समझ को भी बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जिससे वो भी सुखपूर्वक जी सकें। और मुझे लगता है कि मैं फीलिंग्स के पीछे के जो संस्कारों को वो नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो रिलेशनशिप की फीलिंग्स के साथ ही जीना हो रहा है, और अगर कभी विरोध का भाव दिखाई देता है तो उसे तुरंत रेक्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके पीछे के जो संस्कार हैं वो अभी नहीं मुझे दिख रहे या समझ में आ रहे। बाकी यह भी समझ में आता है कि यह सब करने वाला काम है, इसको सिर्फ समझने और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके कुछ नहीं होगा। जैसे कि प्यास बुझाने के लिए तो पानी ही पीना पड़ेगा, सिर्फ जानकारी लेने से कि प्यास पानी से बुझती है और प्यास नहीं बुझेगी, ये जानकारी लेने से ही प्यास नहीं बुझेगी। और इसके लिए मैं जो अगला मॉर्निंग सेशन है उसे भी जरूर ज्वाइन करना चाहती हूँ, और इस काम को और अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। तो इसको समझने की इच्छा होने के कारण ही मुझे मैंने देखा कि मैं सुबह बिना किसी परेशानी के इन सेशंस को सुन पाई। तो इन सेशंस को मैंने कभी इंग्लिश में और कभी हिंदी में सुना, और कभी छुट्टी वाले दिन मैं इन दोनों ही सेशंस को सुनती रही हूँ, और बिना किसी परेशानी के और बिना मतलब कोई मिस किए मैंने सभी सेशन सुने हैं। तो मैं यह भी समझ पाई कि हमें सेल्फ को ही देखने का काम है, क्योंकि देखने का काम जो है वो सेल्फ ही करता है, आंखें नहीं। तो आंखें वही देखती हैं जो सेल्फ देखना चाहता है। तो मुझे फैमिली से बचपन में ही कुछ कुछ वोकैबुलरी मतलब मिली हुई थी, क्योंकि घर में रिलीजियस माहौल होने के कारण मेरी मदर ग्रैंड मदर वो दोनों भी बहुत ही रिलीजियस माइंडेड भी थी, और मेरी ग्रैंड मदर पढ़ी लिखी ना होने के कारण वो हम बच्चों को भी खाली समय में या छुट्टियों में हमें बुक्स पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़कर सुनाने के लिए कहती थी। तो उन बुक्स के जरिए कुछ शब्द अभी भी मेरे मन में बसे हुए हैं, और मैंने देखा कि UHV 2 के दौरान मैंने उन शब्दों को इसके कंटेंट के साथ रिलेट करने लगी। जैसे कि बुक्स में मैंने पढ़ रखा था कि हमारे अंदर एक अनहद धुन बज रही है और हमें जीते जी मरना है, उस धुन तक पहुंचना है। तो इसको मैंने हारमनी से रिलेट किया, और
जीते जी मरना यानी कि अपने अंदर ऑब्जर्व करना है। तो मैंने इसको इस तरह से समझा, मुझे भी पता ये कितना सही है। और इन सब रिलीजियस बुक्स से मिले कंटेंट से मेरा जीवन ज्यादातर आराम शांत सा ही रहा है। मीन्स ज्यादा विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी शिक्षा की वजह से या आसपास वातावरण से लॉजिक लगाकर किसी भी बात को पेरेंट्स के सामने रखा, तो उन्होंने वैल्यूज वैल्यूज की बातें बताकर ही समझाया। और वो सब मान्यताएं बनी हुई हैं, और इन सब मान्यताओं ने मुझे अपनी फैमिली में एडजस्ट करने और कंप्रोमाइज करने में भी मदद की। एक और जो मेरी मान्यता बनी हुई है कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान को पाना, और उसके लिए हमें हर पल चैंटिंग करते रहना है। यही एक रास्ता हमें भगवान से मिलवाएगा। कई बार कॉन्ट्रडिक्शन भी पैदा करता है। मेरी एक और एक यह भी मान्यता बनी हुई है कि वी आर हेयर टू सर्व अदर। तो इससे प्रेरित होकर मैं अपना काम बड़े आराम से करती हूँ। दूसरा यह भी दूसरा यह भी लगता है कि हर एक मनुष्य की अपनी एक जर्नी है। इससे मैं किसी को भी मतलब कमजोर नहीं बना जाती। मतलब मैंने अपने बच्चों को भी फ्री विल यूज करने देती हूँ कि हर सबकी अपनी एक जर्नी है, और अगर वो सही नहीं जा रहे होते तो उनकी काउंसलिंग ही करती। तो इस कंटेंट को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी का मकसद मिल गया। जो चीजें पहले मुझे रिलीजियस बुक्स के माध्यम से मैंने सुना या पढ़ा, वो अब शिक्षा के माध्यम से मिलने के कारण एक मीन्स ऑथेंटिकेशन का भाव बना, और विश्वास और एक्सेप्टेंस भी बढ़ी इस चीज को लेकर। तो इन मॉर्निंग सेशंस की वजह से मैं इतना एक्साइटेड हो गई कि करने वाला काम तो कर ही नहीं पाई। पर अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट सेशन से इसको मैं निष्ठापूर्वक करने की कोशिश करूँगी। मुझे इन मॉर्निंग सेशन से जोड़ने और आगे भी वॉलंटियरिंग के लिए प्रेरित करने में मेरी कलीग गरिमा जोशी, जो इस बैच का हिस्सा है, उनका भी बहुत ही सहयोग रहा है। मेरा यह मानना है कि उनकी वजह से ही मैं इससे जुड़ पाई हूँ इन मॉर्निंग सेशन से। तो इसके लिए उनका बहुत आभार है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट में इंडक्शन प्रोग्राम में लेक्चर्स, और अभी जो आपने भी कहा कि वन डे LDP जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है, उसमें भागीदारी के लिए भी उन्होंने मेरा बहुत सहयोग रहा उन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो उनका बहुत बहुत आभार। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप तो कोई इनिशिएटिव नहीं लेती हूँ, और वो मुझे अपॉर्चुनिटीज देकर आगे करते हैं, तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो एक्सरसाइज वन के अगर देखें तो सभी स्टेप्स को मैं देख पाती हूँ, पर मेरा समय मतलब मैंने समय कम लगाया है, और मेरे कम समय देने की वजह से मेरी गति नहीं बन पाई, परंतु मैं उनको उन सभी स्टेप्स को देख पाई, समझ पाई अच्छे से। परंतु एक्सरसाइज टू में मेरी अभी समझ अच्छे से नहीं बनी। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जैसे कि सेल्फ और बॉडी को अलग अलग देख पाना, तो अभी तो मुझे यही लगता है कि सेल्फ जो है वो बॉडी के अंदर है, तो मतलब उतनी स्पष्टता नहीं बनी इसको लेकर। तो कल जैसे जैसे कि कल मेरा ध्यान इस बात पर गया कि रात को मैं जब थक कर सो गई और सुबह अलार्म बजा, तो कितनी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि अलार्म बज रहा है। तो
तो मेरे ध्यान में आया कि मुझे तो जल्दी उठना है और ये जो काम दिमाग में था कि वो सब करना है। तो दिन में मुझे ख्याल आया कि बॉडी तो थक कर सो गई, तो सेल्फ कहाँ थी? तो सेल्फ ने बाहर से मिलने वाली अलार्म की सूचना को मतलब लेने में देरी क्यों की? क्या सेल्फ भी सो गई थी? तो इस तरह से मुझे लगता है कि सेल्फ और बॉडी की जो को एग्जिस्टेंस को लेके अभी मुझे ऑब्जर्व करना है, और ऐसे ही सेंसेशन मुझ में है, मैं सेंसेशन भी नहीं हूँ, इसको भी मतलब ऑब्जर्व करना अभी काफी है। तो इसके बाद जो फीलिंग्स के पीछे के संस्कारों को देख पाना और उनको इवेल्युएट करना, ये सब मुझे लगता है कि ये सब काम जो है अभी करने वाले हैं, तो ये सब मुझे दिख रहे हैं। और अगर कमिटमेंट को तो मेरी कमिटमेंट जो है अभी अपनी समझ और ट्रू ऑब्जर्वर बनने की तरफ है, तो जिसके लिए मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। तो इसके अलावा आगे जैसे कि यूआईटी में यूएचपी का 3 क्रेडिट कोर्स के रूप में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, तो मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहती हूँ जिससे कि मुझे इसको और अच्छे से समझने और स्टूडेंट्स को समझाने में मदद मिले। तो मेरी तरफ से यही है, जी अगर कुछ हो धन्य सके। जी धन्यवाद अनु दीदी। जी भैया, अनु दीदी की आवाज थोड़ी धीमी ही आ रही थी, तो फिर भी पूरी बात सुनने में आ गई। ये बहुत स्पष्ट नहीं हुआ कि जिन मान्यताओं का आपने जिक्र किया, क्या वो मान्यताओं को आप अपने आप में उचित मान रही हैं या उनका मूल्यांकन कर रही हैं? ये थोड़ा अनु दीदी रखना चाहेंगी तो बता सकती हूँ। आपका नया जुड़ाव है, अभी अभी जुलाई में ही आपने वर्कशॉप किया है, गरिमा दी के साथ जुड़ी हुई हैं आप। जी, तो जी कुछ आपने जी भैया, मान्यताओं का जिक्र किया, 3-4 मान्यताओं का, तो क्या आप हाँ उन्हें अपने आप में उचित मान रही हैं या उनका मूल्यांकन करने का प्रयास कर रही हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी भैया, बताइए। मेरे तक तो पहुंच रही है अनु दीदी, आप तक भैया की हाँ, आवाज पहुंच पहुंच गया पाई? जी, मेरी आवाज आ रही दीदी आपकी आवाज ना थोड़ी धीमी थी और मुझे लगा मेरी तरफ भी धीमी आ रही है, तो मैं इस करके इंटरप्ट नहीं किया, तो थोड़ा आप वॉल्यूम को बढ़ाकर अगर बता पाए। है? जी, हाँ जी। मेरी एक तो मतलब ये मान्यता है कि जैसे कि भी मतलब हम यहाँ पे दूसरों को ही सर्व करने के लिए आए हैं। मतलब जब हम इस तरह से सोच के कोई भी काम को करते हैं तो हम बड़े आराम में रहते हैं ना। तो एक तो ये मान्यता मेरी बनी। दूसरी कि हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी है, तो उससे भी हम मतलब दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे बच्चों के मामले में अपने बच्चों को भी मतलब देखती हूँ, जी, तो वो मुझे तो लगता है क्योंकि तो आप कि वर्कशॉप से ये मान्यता बनी या पहले से ये मान्यता? जी जैसे करना चाहती हैं, जो उनकी अपनी जो समझ बन रही है, हाँ कहीं पे लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो हम काउंसलिंग कर लेते हैं, मतलब एक आपस में डायलॉग भी कर लेते हैं कि नहीं मेरे नहीं, आपको मुताबिक आवाज तो नहीं मिल नहीं रही, क्यों है। अनु और जी, हम आपको मेरी अभी आवाज मिल रही ठीक है? हैं, उनको मतलब आप थोड़ा सुन पा फ्री रही भी हैं? छोड़ते हैं, उनको अपनी भैया आपकी आवाज हमें मिल रही है, अनु तो दीदी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। मान्यताएं। और इसके अलावा और मुझे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगता है आपको ये आवाज पहले मिल ही रही है मैंने हमारी? वो और अभी अनु जी, पहले दिमाग में सुने नहीं आ थोड़ा, रही है कि और मैंने आपको क्या आवाज कहा। मिल रही है? दी जी, अनु अगर आप दीदी बता पाए तो मैं अपना पॉइंट रख दूंगी उस पर। जी अनु दीदी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी दीदी आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी कुमार भैया की जी, आवाज आप मेरी तक आवाज पहुंच पा आपको आ रही है? रही है? जी मुझे लग रहा है दीदी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है।
जी आवाज जी नहीं जी, आवाज नहीं आई आपको नहीं, दीदी? आपकी यहाँ आवाज आ आपकी रही है, हम लोग की जी आवाज आप नहीं सुन पा रही है। अच्छा नहीं, अब मुझे आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज अच्छी आप होगी, तक गई जी। ठीक है। आप अभ्यास को कंटिन्यू करें, मुझे लगता है कि कुछ वर्कशॉप्स और आप करें। आपने अभी 3 दिनों का वर्कशॉप किया था, उसके बाद आप मॉर्निंग सेशन में जुड़ी हैं। हाँ जी ऑनलाइन भी वर्कशॉप अवेलेबल है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ही हैं जी जी तो वहां पे यू एक आई बहुत टी अच्छा पंजाब इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, में, आपको अवसर भी यू आई मिलेगा टी। हाँ जी जी। वहाँ एक बड़ी टीम भी है पंजाब में, तो आप कुछ और वर्कशॉप्स करें, कंटेंट की और क्लैरिटी बनेगी। कई बार ऐसा होता है जी कि हमारा पूर्व संस्कार भी सही जीने का होता है, परंतु हो सकता है वो जो एक्सप्रेशन का पार्ट है, बिहेवियर, वर्क पार्टिसिपेशन या व्यवहार कार्य भागीदारी, उससे जुड़ा होता है। उसके मूल में जो वस्तु की समझ होनी है, मैं की समझ, शरीर की समझ, संबंध की समझ, उस पर और काम करना शेष हो सकता है। तो ये संस्कार आपको सहयोग करेंगे समझने में, परंतु समझने के लिए थोड़ा और समय लगाए, और ये जो अभ्यास जी के बिंदु हैं इस पे थोड़ा और समय लगाए। आप जुड़े रहें, आगे जो हम लोग अगला बैच भी शुरू करेंगे उसमें, और अगर आप दिसंबर महीने में कुछ वर्कशॉप्स और कर लें, 5 डेज के UHE 2 के वर्कशॉप्स हो रहे हैं कई सारे, उसको आप प्लान करके अटेंड कर लीजिए, तो उससे कंटेंट की और क्लैरिटी बन जाएगी। जी बढ़िया जी दीदी, मेरा कमिटमेंट भी यही है, हाँ जी, कि मैं मॉर्निंग सेशंस को आगे कंटिन्यू करूंगी जिससे मेरी और समझ पड़े। जी नहीं मैं ये कह रहा था कि मॉर्निंग सेशन तो आप करें ही, UHV 2 का फेस टू फेस वर्कशॉप 8-10 होने वाला है अभी दिसंबर महीने जी में ही, तो हाँ जी हाँ जी मुझे लगता है उसके कि उसमें भी, हाँ जी, कोशिश करती हूँ मैं, उनमें से भी कौन सा कर पाती हूँ मैं, देखती हूँ। हाँ पंजाब रीजन में भी होगा, तो प्रियदर्शनी से एक बार बात कर ले आप, जी तो आप अटेंड कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कंटेंट की और क्लैरिटी हो जाएगी। जी जी भैया, बढ़िया दीदी, बढ़िया, मेरी तरफ से इतना ही, शुभकामना थैंक यू भैया, थैंक यू। जी दीदी।